तो हेलो डियर एग्रीयंस, आपका हमारे MS एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम कुछ नया ही करने वाले हैं, और नया ये है कि आज हम PAT से रिलेटेड मतलब कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलो वीडियो को, तो डियर एग्रीयंस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि यदि आप हमारे MS एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो चलो वीडियो पर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक से जैसे आपकी समझ आता होगा कि टॉप फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो इससे तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे भारत देश के अंदर मतलब टॉप बोला जाए तो सर्वाधिक मात्रा में फल उत्पादन करने वाला राज्य कौन कौन सा है, और कौन कौन सा फल किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो पे। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं और इसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, यह PAT तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद रूप से कारीगर साबित हो सकता है और उनके लिए यूजफुल भी है, क्योंकि भाई यह भी क्वेश्चन में पूछ सकता है PAT में कि मतलब एप्पल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भाई यदि आप इसे पढ़े रहेंगे तो आपको तुरंत ही याद आएगा कौन है भाई, जम्मू एंड कश्मीर। और सेकेंड नंबर की बात करें तो एमंड मतलब होता है बादाम, और बादाम की सर्वाधिक उत्पादन इसका भी जम्मू एंड कश्मीर में होता है। आप याद रखिएगा, तो यदि PAT क्वेश्चन पे आता है, आप यदि एग्ज़ाम देने गए तो फिर नहीं बना तो फिर हो गए, तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार में समझ नहीं आता है तो आप डबल देख लीजिएगा, और कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो दूसरे नंबर पे आता है एमंड, जिसका भी सर्वाधिक उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर राज्य ही करता है। और तीसरे नंबर की बात करें तो गुआवा है, अमरूद, इस फल की सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। और अगले नंबर की बात करें तो मैंगो, आम, यह फल का भी उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य ही करता है। और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो आपको पूछा जा सकता है सपोटा यानी चीकू, इस फल का उत्पादन किस राज्य में होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर गुजरात दे देंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में इस तरह से बोलेगा कि अंगूर की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। और अगले नंबर की बात करें तो बेर उत्पादन करने वाला मतलब सर्वाधिक मात्रा में बेर उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर होगा आपका गुजरात, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आएगा पपाया यानी पपीता का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में पपीता का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आप इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि यह PAT एग्जाम में पूछ भी सकता है, मेरे हिसाब से तो वेरी IMP क्वेश्चन लगता है। और अगले नंबर की बात करें तो लीची इसका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो अपना राज्य है बिहार। कौन सा है? बिहार। और अगले नंबर की बात करें तो पीच आता है, पीच, तो इसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कौन सा राज्य करता है, तो वो है उत्तराखंड। आप स्क्रीन पे बढ़िया गौर कीजिएगा, मैं जैसे जैसे मतलब आपको बताता हूँ उस तरह से। और अगले नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो स्ट्रॉबेरी फल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो किस राज्य में होता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे हरियाणा। क्या लिखेंगे? हरियाणा।
और अगले नंबर की बात करें आंवला है गया और गूसबेरी, तो इसका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। और फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है जैकफ्रूट। जैकफ्रूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इस तरह से पूछेगा, आप बताइएगा त्रिपुरा। क्या बताइए? त्रिपुरा जैकफ्रूट का सर्वाधिक मात्रा में हमारे मतलब इंडिया के अंदर इसका उत्पादन होता है। और अगला क्वेश्चन आप है कीवी। कीवी, तो कीवी की बात करें तो यह हमारे भारत देश के अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है वालनट एंड पीकनट, वालनट एंड पीकनट, तो इसका सर्वाधिक मात्रा में इस फल की उत्पादन कौन करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर। कौन करता है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर। इसको भी आप IMP कर लीजिएगा, वालनट। और आपका अगला क्वेश्चन आता है पाइनएप्पल। क्या दोस्तों? पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल फल की सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। और अगले नंबर की बात करें तो लाइम या फिर लेमन, तो इसका मतलब होता है नींबू, तो इस फल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कौन सा राज्य करता है भाई? तो आप इसका आंसर देंगे गुजरात। कौन सा राज्य करते हैं? गुजरात। और तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें आपका पाइनएप्पल बोलेगा, पाइनएप्पल फ्रूट मतलब किस राज्य में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल। और अगले नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो लाइम लेमन अर्थात नींबू, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आता है बनाना यानी केला, तो यह केला फल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर आपका होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। इसको भी आप IMP कर लीजिएगा। और मैंड्रेन, तो मैंड्रेन इसके अंतर्गत आपका आता है ऑरेंज, तो ऑरेंज की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है इंडिया? तो इसका आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। और बनाना का बता ही चुका हूँ और मैंड्रेन मतलब ऑरेंज का भी बता चुका हूँ कि ऑरेंज का सर्वाधिक उत्पादन भाई अपना मध्य प्रदेश में होता है। और अगले नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो पोमेग्रेनेट यह फल है, पोमेग्रेनेट, तो इस फल की सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र राज्य में होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए तो स्वीट ऑरेंज फल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ होता है? या इसे मौसम्बी संतरा भी कहेंगे, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। तो डियर एग्रीएंस, इस तरह से आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और आपको वीडियो एंड करने से पहले आपको बता दूं, आप हमारे चैनल MS एग्रीकल्चर पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन आता है जिस तरह से आपको स्क्रीन में शो होता होगा, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, तो आप इस तरह से आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जैसे वीडियो डालूँ फट से आपके पास वीडियो जाए, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और यदि आप देखते हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा था और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इसे भी बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का फुल प्रयास करूँगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो पे। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।